वैसे तो हिमाचल प्रदेश के पठानकोट से मंडी जाने के लिए हम NH20 का यूज करते हैं, पर अब मंडी से पठानकोट तक बनने जा रहा है 4 लेन, जो इस 5 घंटे 30 मिनट के सफर को कम कर देगा। पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं नॉलेज कैंप। तो फ्रेंड्स, बता देते हैं कि मंडी से पठानकोट की दूरी 203.6 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने के लिए तकरीबन 5.5 घंटे लग जाते हैं। पर अब मंडी से पठानकोट का जो रोड रूट है उसको 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी बदल दिया जाएगा, और जो डिस्टेंस पहले 203.6 किलोमीटर का था वो अब घट के 171 यानी 171 किलोमीटर का रह जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लियरेंस दे दिया है, जिसमें इस प्रोजेक्ट के लिए 8000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का काम 2020 में ही शुरू हो जाना था, पर कोरोना के चलते लैंड एक्विजिशन का काम आगे बढ़ता गया और अब इससे इस साल पूरा कर लिया जाएगा। इस हाईवे प्रोजेक्ट को बनने के बाद, पूरा होने के बाद, जो पुराना रूट है उसका कुछ ही पार्ट यूज होगा, पर बाकी का पूरा प्रोजेक्ट नई जगह से होकर जाएगा, जिससे सफर को पूरा करने के लिए कम से कम टाइम लगे। प्रपोजल के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 8 बाईपास, 3 टनल, 3 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 3 फ्लाईओवर मंडी से पठानकोट के बीच में बनाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मंडी से पठानकोट का डिस्टेंस 203.6 किलोमीटर से कम होकर 171 किलोमीटर रह जाएगा। सारे बड़े शहर जैसे कि नूरपुर, मटोर, नगरोटा, बागवान, पालमपुर, मरंडा, बैजनाथ, पपरोला और जोगिंदर नगर इस प्रोजेक्ट के बीच नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन सब मेजर सिटी से बाहर से होकर जाएगा। और ये जो टनल्स बनाई जानी है वो पटलौर, धरमान, मटोर और कचियारी, बिजनी और मंडी शहर, इन शहरों के बीच से होकर जाएगी और इन्हें जोड़ेगी। पर अभी के लिए इस प्रोजेक्ट का जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत पीछे चल रहा था। पर अब जैसे कि CM जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी से शुरू किया जाए और टेंडर प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाए। आशा करते हैं प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू हो जाए, ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा हो और माइग्रेशन करने के लिए उन्हें कोई आपत्ति या कोई भी प्रॉब्लम न आए, क्योंकि जब लैंड एक्विजिशन होता है तो वहाँ पे जो लोग बसे होते हैं उन्हें वहाँ से माइग्रेट किया जाता है, तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम न आए इसके ये प्रोसेस को जल्दी कम्प्लीट करना होता है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई सुझाव या विचार हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर किसी के पास इससे जुड़ी और कोई भी डिटेल हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ProCamp Social विजिट करके भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं, जहां हम अपने आने वाले वीडियो से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू नॉलेज कैंप।